जय बिहार। नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, लगातार आप सबका सवाल और आप सबके संदेह कि सर आप भूल गए। ना भैया, भूले नहीं है। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि हाँ सही बात है, विलंब हुई है आप लोगों से मिलने में और आप सबसे बात करने में। इसके बहुत सारे विभागीय कार्य भी थे और साथ ही उसके साथ आपको पता है कि अपने BPSC वाला मैटर भी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, फिर उसको भी थोड़ा सा उसमें भी कुछ कार्य थे और साथ ही उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे अपने टच में हैं, तो उनके लिए भी लगातार और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से आपका यह छोटा भाई जो है अभी लगभग 5 राज्य अपने झारखंड, अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में कुछ कार्य भी देखते हैं लीगल, तो आप सबके आशीर्वाद से तो इसमें थोड़ी सी व्यस्तता आ जाती है जिसकी वजह से आप सबसे नहीं मिल पाते। लेकिन ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि आप सब अपने भैया को, अपने छोटे भाई को याद करते हैं और कहते भी हैं कि आप भूल गए, आपकी शिकायतें सर आँखों पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, और इस बीच में कुछ भी बहुत बड़ी अपडेट नहीं आ रही थी। जो अपडेट आ रहे थे वो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं आपको सही जानकारी दे ही दे रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सबके सवाल बहुत बंच में इकट्ठा हो गए, मैं देख रहा था। और हमारी एक आदत भी है बीच में, लैपटॉप अलग बात है लेकिन हम एक डायरी रखते हैं, देख रहे हैं, इसमें हम सब आप लोगों का लिख लेते हैं कि कौन कौन सा सवाल बीच बीच में जब टाइम मिलता है हम लिख लेते हैं, तो हम लिखे हुए हैं आप सबका सवाल। अब ये मत कहिए कि लैपटॉप वो लेके फिर कहाँ बैठे। देखिए लैपटॉप टेक्नोलॉजी है लेकिन आदमी को ना 10वां क्लास का पढ़ाई नहीं भूलना चाहिए। हम लोग बिहारी हैं, कभी भी पेन कापी पे ही भरोसा रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी है कभी भी ख़राब हो जाएगी, समझे। तो इसमें हमने बहुत सारे आपके सवाल लिख लिए, उन सब पे चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। जैसे कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है, किस लेवल से बनवाएं, किस स्तर से बनवाएं, डोमिसाइल का क्या हो रहा है, क्या सारे के सारे अदर स्टेट वाले नहीं आ पाएंगे, और उसके साथ सर्टिफिकेट की प्राथमिकता क्या होगी, मेरिट लिस्ट क्या होगी, नियमावली में क्या संशोधन हो गए। अरे नियमावली अभी पूरी बन तो जाने, तो 2020 के आधार पे ही होनी है, बस 3 संशोधन हैं उसमें, सारी बातें आगे कर लेंगे। लेकिन आप सबसे एगो निवेदन है आज, भैया आपके छोटे भाई 47,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गए हैं आप सबके आशीर्वाद से, स्नेह से, प्रेम से। अब भैया इसको 50,000 करवा देते ना तो आपका भाई भी थोड़ा चौड़ में आ जाता कि हाँ भाई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम भी 50 पार कर जाएं और थोड़ा सा आप सबके दम पर थोड़ा हम भी फूल लें, थोड़ा हम भी खुश हो जाएं। तो और आपको जानकारी तो मिलती ही रहेगी ऑथेंटिक, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। ये बस एक निवेदन है अपने आप लोगों से, अपने भाइयों से कि कर दीजिएगा तो 50 पार हो जाएगा, देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब जब करीब आदमी आता है ना 99 का चक्कर तो थोड़ा लालच आ जाता है, तो अपने भाइयों से ही कहेंगे ना, अपनी बहनों से ही लालच का मांग करेंगे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आपके महत्वपूर्ण सवालों पर। अब मांग लिए तो ये मत कहिएगा कि देखो मांग रहा है, अब इतना तो मांग ही सकते हैं अपने परिवार से। चलिए अब जाते हैं आपके सवालों पर। सबसे पहले सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, सुनिए, सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाइए, ऑफलाइन बनवाइए, ब्लॉक लेवल से बनवाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरी सर्टिफिकेट इज वैलिडेटेड, ठीक है, हर सर्टिफिकेट की मान्यता वही होगी। आपके पास क्षमता है तो आप थोड़ा ऊपर लेवल से बनवाइए या नीचे लेवल से बनवाइए या ऑनलाइन बनवाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्रिया सेंट्रलाइज नहीं होगी, अभी इस पर पूर्णतः विचार, एक बहुत बड़ी बात यह है कि प्रक्रिया जो सेंट्रलाइज की बात चल रही थी इसमें संशोधन की संभावना आ गई है और कई निकाय जो हैं उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई हमारे निकाय में कैसे होगा। अब हो सकता है कि निकायों को जो सेंट्रलाइज पावर में बिल्कुल पावरलेस कर दिया गया था, वो निकायों को अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर दिया जा सकता है, इसके ऊपर बात चल रही है। तो हो सकता है कि आप अप्लाई तो सेंट्रलाइज करेंगे लेकिन आपकी काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें जो है निकाय व्यक्तिगत स्तर पर फिजिकल ही कराए, इसकी सूचना अब ये ऐसी मांग निकायों से की गई है, ये बात शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी लेकिन ये एक सत्य है, ठीक है। तो ये एक बात है, तो हो सकता है कि कुछ सेंटरों पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़े और साथ ही वहाँ काउंसलिंग भी आपकी हो, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसकी आगे की ब्रीफिंग मैं आपको दे दूंगा जैसे ही संशोधन आ जाएगी, टाइम से पहले बता दूंगा। एक ये चीज़ हो गई, दूसरा ये है कि नियमावली में कितने बदलाव हो रहे हैं, बस 3 बदलाव होंगे महत्वपूर्ण, बाकी 2020 का ही मॉडल रहने वाला है। डोमिसाइल को लेकर के एक कंफर्मेशन है कि डोमिसाइल ही रहेगा, लेकिन अब इसमें क्या पूरा का पूरा उत्तर बिहार ही रहेगा, बाकी किसी राज्य का नहीं आएगा। देखिए ये जो होता है ना, एक संवैधानिक पहलू होता है, 10% 15% 20% सरकार छोड़ेगी, लेकिन इसमें बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि उसमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे राज्य के जनरल कैंडिडेट भी, और दूसरे राज्य का कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो SC कैटेगरी का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का, चाहे OBC कैटेगरी का, चाहे एक्स सर्विसमैन, कुछ भी होगा,
उसको आना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में ही। तो ये एक मेरिट उसका इतना हाई चला जाता है कि उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करें तो बेहतर है। ठीक है, ये हो गई। तो मान के चलिए कि 10% हो सकता है बाहर जाए। लड़कियों की महिलाओं की सीटें जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिस पर लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या महिलाओं की सीटें हर बार बच जा रही हैं, तो क्या उसमें सीटों का आवंटन अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से पुरुष वर्ग में भी कर दिया जाए? नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये एक बात है कि भाई सीट बच जाए तो बच जाए। अब इसके दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन अब देखते हैं। तो मुझे ये कहना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि सीटें बच रही है, तो ऐसा थोड़ी कि आवेदन की कमी है। आप मेरिट थोड़ा ग्लोरीफाई कर लीजिए, थोड़ा डाउन कर लीजिए, सारी औरतों को नौकरी दे दीजिए, मतलब कोई दिक्कत तो ना है। आप जो जिनको बाहर कर देते हो, ऐसा तो नहीं है कि 50,000 सीट है तो 50,000 महिलाएं आपको अप्लाई नहीं करती हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाती हैं, ये प्रॉब्लम है। तो मेरा ये सुझाव है, और मैं इसको पत्र के माध्यम से भी विभाग को सूचित करूंगा कि मेरा ये सुझाव है कि अगर पूर्णतः नहीं मिल पाता है तो विभाग थोड़ी सी मेरिट में कंप्रोमाइज़ करके जो चयनित विद्यार्थी है उनको ले सकता है, जो जिन्होंने अपनी तरफ से फॉर्म फिल किया है उनको भी ले सकता है, थोड़ा सा अपनी मेरिट को डाउन करके। ये एक सुझाव है। अच्छा, ये हो गया एक चीज़। अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण बात, बीटेट की मांग जो लगातार हो रही थी, इसमें सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बीटेट की मांग को ठुकरा दिया था, और उन्होंने बाध्यकारी नहीं किया था सरकार के ऊपर। जानकारी सब बढ़िया है ना? हाँ, ये जानकारियाँ बहुत दिन पे आया हूँ इसलिए इकट्ठी हो गई है। बीटेट नहीं कराया जाएगा, सरकार का अपना पक्ष है कि सातवें चरण में ऑलरेडी बहुत डिले हो गया, अब इस बीच में बीटेट करा करके फिर एग्जाम कराएंगे तो और फिर उनको लेंगे तो सातवां चरण और लेट हो जाएगा। और इधर आप सब साथियों ने लगातार जो प्रयास करके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया है, हमने कुछ ना किया है, आप लोगों ने जो प्रेशर बनाया है उसके बल पर सरकार जल्दी से जल्दी अब आपको सातवें चरण की प्रक्रिया करनी चाहती है, वो एक चीज़ है। एक और चीज़ हो गया था कि बहुत सारे नियोजन में अभी तक ये रिक्तियों का मामला गया ही नहीं था कि भाई कैसे रिक्ति बनाना है, क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो अब जो है जल्द ही, मतलब कल तक उनको, एक सोमवार तक एक नया फ्रेश लेटर भी देखने को हो सकता है। बाकी लोग भी आपको दिखा दें कि 3 दिन में आपको एक नया लेटर मिलेगा जो सारे निकायों में भेज दिया जाएगा कि आपको इस तरह से रिक्तियाँ बननी हैं, और रिक्तियाँ जो है वो 25 जुलाई तक ख़त्म करनी है, ऐसी सूचना है कि आपको सारे क्लियर करके बता देना है कितने सीट हैं, ताकि 26 जुलाई के बाद आपको सातवें चरण की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, इसकी संभावना है। ये एक सवाल आपका क्लियर हो गया। ये तो हमने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट आप कहीं से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत ना है। और कुछ सवाल आपका छूट रहा? हाँ, मेरिट नॉट मेरिट पे भी का क्या हो रहा है, एस्टेट वालों को कितना दिया जाएगा, बीटेट वालों को क्या ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा, ये जो है एक बड़ा सवाल था जिसको लेकर के लगातार डिस्कशन चल रही थी। फाइनली इसमें एक बीच का रास्ता बनाने के लिए एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अभी उसके ऊपर विचार कर रहा है बोर्ड कि क्या जो है आयोग जो है कितना क्या कर सकता है कि जिससे दोनों में से किसी का नुकसान ना हो और एक बीच का रास्ता हो, क्योंकि सीटेट वाले ज़्यादातर माना जाता है कि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, और बीटेट वाले थोड़े उनका मेरिट, मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी का, लेकिन ज़्यादातर बीटेट वालों के मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं और सीटेट वाले थोड़े ज़्यादा मार्क्स पे आ जाते हैं। तो अगर समान ही रखा जाए तो दोनों के मेरिट में सीटेट वालों का मेरिट कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊपर चला जाता है और बीटेट वालों को नुकसान होता है। तो पिछली बार जैसे दिया गया था, इसके ऊपर अभी संशोधन चल रहा है कि अगर दिया जाए तो कितना दिया जाए और कैसे दिया जाए, तो ये अभी क्लियर नहीं है। जो भी आपको जैसी भी खबर आ रही है, लेकिन ये गलत है, अभी इस पर कोई भी विचार हुआ नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन सेंट्रलाइज ही हो गया। बाकी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई दे दूं, नहीं लिख के रखूंगा और फिर अगली वीडियो में आप लोगों को वो डाइवर्ट कर दूंगा, आप सबको बता दूंगा और सारी जानकारियां मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज सातवें चरण की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल गई होंगी मेरे द्वारा। और एक निवेदन है भैया, 50,000 करवा दो, बाकी मर्जी है आपकी, मेरा काम तो है ना अपने भाइयों से मांगना, बहनों से मांगना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, प्रणाम, जय बिहार।